खबर रीवा जिले से आ रही है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक विधि विधायी विभाग के द्वारा आयोजित की गई थी। बैठक अपर कलेक्टर शैलेन सिंह के द्वारा ली गई, जिसमें सभी विभागों के लंबित प्रकरणों के संबंध में अपना पक्ष रखने की बात कही गई। आपको बता दें कि कई बार न्यायालय में लंबित प्रकरणों में सरकार का पक्ष सही ढंग से नहीं पहुंच पाता, जिसके चलते कई फैसले सरकार के विपक्ष में हो जाते हैं, जो सरकार के नुकसानदायक होते हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देश पर उक्त बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी विभागों के लोग मौजूद रहे और उन्हें समय पर अपने विभाग के लंबित प्रकरणों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया। आइए सुनाते हैं उक्त बैठक का उद्देश्य और किस तरह से लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है अपर कलेक्टर शैलेन सिंह से। ये हमारी विभागीय विधि विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत जो भोपाल से संचालित है, मध्य प्रदेश शासन का ही डिपार्टमेंट है, इसके अंतर्गत एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें कि प्रभारी OIC को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है और माननीय उच्च न्यायालय इस समय बहुत ही गंभीरता के साथ प्रकरणों की सुनवाई कर रहे हैं और लगातार इन प्रकरणों का निराकरण हो रहा है, जिससे आम जनता को न्याय भी मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा होता है कुछ प्रकरणों में, जहाँ पे कि शासन पक्षकार है या सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि उसका पक्षकार है, तो ऐसे प्रकरणों में यदि समय पर जवाब नहीं लगाया जाता तो सरकार को गंभीर रूप से नुकसान हो सकता है। कई बार ये होता है कि सरकारी पक्ष सही होता है लेकिन हम अपनी बात नहीं रख पाते, तो इसलिए माननीय कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सभी विभागों के लोगों को यहाँ पर बुलाकर उनको उनके केस की जानकारी दी जा रही है, उनको समझाइश दी जा रही है कि वो समय से वहाँ पर उपस्थित हों और किसी भी इस प्रकार की एडवर्स कार्रवाई जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमारे विरुद्ध की जा सकती है, शासन के हित में उस चीज़ का संरक्षण करें, अपना जवाब लगाएं। यदि कोई कंटेम्प्ट केस है तो उसमें जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई पूर्ण करें और हमारी शाखा को अवगत कराएं, जिससे कि हम लोग उससे अपडेट हो सके। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए, समदड़िया आभूषण, समदड़िया